नमस्कार, आप सुन रहे हैं हिमाचल अभी अभी का रेडियो बुलेटिन दिव्या चौहान के साथ। आज रविवार है यानी छुट्टी का दिन। आप जानते हैं कि कोरोना की लहर देश में कमजोर पड़ने लगी है, संक्रमितों के आंकड़ों में कमी आई है, लेकिन हमें अभी भी एहतियात बरतने की जरूरत है। इसलिए लापरवाही बिल्कुल न बरतें, 3 मंत्र जरूर याद रखें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए उचित दूरी बनाए रखें, हाथ व मुंह साफ करते रहें। कोरोना से बचाव के लिए अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका लगवाएं, और जो लोग पहला टीका लगवा चुके हैं वो समय आने पर दूसरा टीका जरूर लगवाएं। बहरहाल चलिए आपको हम देश विदेश व हिमाचल में अभी तक क्या कुछ घटनाक्रम हुआ उसकी जानकारी देते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिमाचल से। कोरोना संक्रमण के खिलाफ फ्रंटलाइन पर खड़े कोरोना योद्धाओं की सेवा के लिए हिमाचल के जिला मंडी में बहुत सी संस्थाएं आगे आकर कार्य कर रही हैं। हिमाचल में शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों को बुलाने के लिए उपनिदेशकों से फीडबैक ली जाएगी। इस संबंध में 1 जून को बैठक बुलाई गई है। आज केंद्र की मोदी सरकार के 7 साल पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर बीजेपी देश भर में 23,000 गांव में सेवा कार्य करेगी। देश भर में बीते 24 घंटों में सामने आए 1.65 लाख मामले, 1.5 महीने आए सबसे कम केस, खतरा अभी टला नहीं, अनलॉक की हड़बड़ी होगी घातक। मन की बात में बोले पीएम मोदी, तूफान में बचाव कार्य करने वालों को सलाम, चक्रवातों से पूरी ताकत से लड़ा देश। अब इन खबरों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। देश व प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए आप भी सुरक्षा के एहतियात उपाय जरूर करें। मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 2 गज दूरी है जरूरी, और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। 45 वर्ष या इससे अधिक आयु के लोग कोरोना का टीका अवश्य लगाएं। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। महामारी के इस दौर में चिकित्सक स्टाफ, नर्स, सफाई कर्मचारी, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस व होमगार्ड के जवान और कोरोना संक्रमितों की सेवा में तैनात अन्य कर्मचारी दिन रात अपनी ड्यूटी देकर इन्हें स्वस्थ करने में जुटे हुए हैं। ऐसे में इन फ्रंटलाइन योद्धाओं को किसी प्रकार की परेशानी ना झेलनी पड़े, उसके लिए बहुत सी संस्थाएं और लोग इनकी सेवा का जिम्मा संभाले हुए हैं। मंडी की अगर बात करें तो यहां राज्य ने हाल ही में 200 बिस्तरों के मेकशिफ्ट अस्पताल का संचालन शुरू किया है। अस्थायी ढांचे में बने अस्पताल में हर सुविधा मुहैया करवाना संभव नहीं था। ऐसे में जिला प्रशासन ने जब जिले की संस्थाओं से यहां तैनात कर्मियों के लिए मदद की गुहार लगाई तो संस्थाएं और लोग बड़े स्तर पर आगे आए। इसमें एक शिफ्ट अस्पताल में करीब 200 कर्मचारी अपनी ड्यूटी दे रहे हैं और इनके खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं विभिन्न संस्थाएं कर रही हैं। इनमें हृदयवासी सेवा समिति, श्री नैना देवी मंदिर समिति खलियार, रियांश फाउंडेशन खलियार, वॉलेंटियर फाउंडेशन और न्यू लाइफ लाइन संस्था का नाम शामिल है। कोई सुबह का नाश्ता खिला रहा है तो कोई दोपहर का भोजन, कोई शाम की चाय स्नैक्स के साथ पिला रहा है तो कोई डिनर करवा रहा है। सेवा में जुटे कोरोना योद्धाओं को किसी भी प्रकार की कोई कमी महसूस नहीं होने दी जा रही। हिमाचल प्रदेश में शिक्षण संस्थानों में कितने फीसदी शिक्षकों को बुलाया जाना है, ये फैसला अभी राज्य सरकार नहीं ले पाई है। शिक्षकों को बुलाने के लिए उपनिदेशकों से फीडबैक लेने के बाद ही अंतिम फैसला लिया जाना है। प्रदेश के उच्च शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में सभी शिक्षा उपनिदेशकों की बैठक 1 जून को बुलाई गई है। इसमें शिक्षण संस्थानों में कितने फीसदी शिक्षक बुलाए जाएं, ये फीडबैक लेकर सरकार को अवगत करवाया जाएगा। वर्तमान में प्रदेश के स्कूलों और कॉलेजों में करीब 1 लाख शिक्षक सेवाएं दे रहे हैं। उच्च शिक्षा निदेशक अमरजीत शर्मा कहते हैं कि शिक्षण संस्थानों में कितने शिक्षकों को बुलाया जाए, इसे लेकर 1 जून को बैठक बुलाई गई है। फीडबैक लेने के बाद सरकार को अवगत कराया जाएगा। उल्लेखनीय है कि सोमवार से गैर शिक्षक 30% स्टाफ को बुलाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सरकार ने बड़े सरकारी विभागों का 30% स्टाफ बुलाने के फरमान जारी किए हैं, जबकि छोटे महकमों में 50% स्टाफ बुलाया जाना है। बड़े होने के कारण शिक्षा विभाग में भी 30% स्टाफ बुलाया जा रहा है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 7 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में बीजेपी की ओर से रविवार को प्रदेश के 23,300 गांवों में सेवा कार्य किए जाएंगे।
पार्टी के पदाधिकारी, प्रदेश सरकार के मंत्री, विधायक, सांसद और निगम बोर्ड और आयोगों के पदाधिकारी व सदस्य गाँव में पहुंचकर सेवा कार्य करेंगे। हिमाचल की बात करें तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा बिलासपुर सदर त्रिदेवों के साथ संवाद करेंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप नाहन मेडिकल कॉलेज में उपकरणों, सराहा अस्पताल में आइसोलेशन किट का वितरण और पच्छाद मास्क एवं सैनिटाइजर वितरण करेंगे। सीएम जयराम ठाकुर मुरहाग, सिराज और डलहौजी के बूथ नंबर 42 सालवा में वर्चुअल माध्यम से संवाद करेंगे। इसके अलावा केंद्र राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर देहरा विधानसभा क्षेत्र, समीरपुर और भोरंज विधानसभा में वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। अन्य समाचार सुनिए ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। भारत में कोरोना वायरस का खतरा अब धीरे धीरे टलता दिख रहा है। देश में कोरोना वायरस के नए मामलों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है और करीब 46 दिन बाद सबसे कम 1,65,553 नए केस मिले हैं। कोरोना के नए केस और मौतों के आंकड़ों से राहत के संकेत मिल रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में एक दिन में कोविड 19 के 1,65,553 मामले सामने आए, जो पिछले 46 दिन में सबसे कम है। कोरोना के कहर में थोड़ी कमी के बीच कई राज्यों ने अनलॉक की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञ अभी लॉकडाउन में ज्यादा ढील देने के पक्ष में नहीं हैं। उनका कहना है कि जल्दबाजी में ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाना चाहिए जिससे बाद में पछताना पड़े। जर्मनी, ब्रिटेन, इटली समेत दुनिया के तमाम देश इस बात की जीती जागती नजीर हैं कि कोरोना संक्रमण की पूरी तरह से काबू में आने से पहले प्रतिबंध हटाना कितना घातक साबित हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए तमाम शोध भी दर्शाते हैं कि लॉकडाउन संक्रमण को बेकाबू होने से रोकने में कितना कारगर है। शुरुआती चरण में सिर्फ बेहद जरूरी चीजों को खोला जाए, मॉल और भीड़भाड़ वाली जगहों पर प्रतिबंधों में ढील सबसे बाद में दी जाए। जहां भी अनलॉक किया जाए वहां बाकायदा सख्ती हो, तभी हालात बेकाबू होने से रोके जा सकेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार सुबह 11 बजे से रेडियो कार्यक्रम मन की बात कार्यक्रम में संबोधित किया। ये मन की बात का अब तक का 77वां संबोधन था। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि देश की सामूहिक शक्ति और हमारे सेवा भाव ने देश को हर तूफान से बाहर निकाला है। हाल ही के दिनों में हमने देखा है कि कैसे हमारे डॉक्टर, नर्स और फ्रंटलाइन वॉरियर्स ने खुद की चिंता छोड़कर दिन रात काम किया है और आज भी कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि विपदा के इस कठिन और असाधारण परिस्थिति में साइक्लोन से प्रभावित हुए सभी राज्यों के लोगों ने जिस प्रकार से साहस का परिचय दिया है, इस संकट की घड़ी में बड़े धैर्य के साथ, अनुशासन के साथ मुकाबला किया है, मैं आदरपूर्वक, हृदयपूर्वक सभी नागरिकों की सराहना करता हूं। केंद्र, राज्य सरकारें और स्थानीय प्रशासन सभी एक साथ मिलकर इस आपदा का सामना करने में जुटे हुए हैं। पीएम ने कहा कि जिन लोगों ने आगे बढ़कर राहत और बचाव कार्य में हिस्सा लिया, ऐसे सभी लोगों की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। मैं उन सब लोगों को सैल्यूट करता हूं। देश की सामूहिक शक्ति और हमारे सेवा भाव ने देश को हर तूफान से बाहर निकाला है। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।